Hi guys, this is Kanchan and you are watching English Connection. आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप इसमें छोटे छोटे डेली यूज सेंटेंसेस सीखने वाले हैं. सभी सेंटेंसेस 3 words के हैं तो आपको पढ़ने में, बोलने में या फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी सेंटेंस आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे वो कॉमेंट में लिख के जरूर बताइएगा. वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं. सो लेट्स बिगिन. उसे सब पसंद करते हैं. एवरीबडी लाइक्स हिम. एवरीबडी लाइक्स हिम. सभी मायूस दिख रहे थे. एवरीबडी लुक्ड डिसअपॉइंटेड. एवरीबडी लुक्ड डिसअपॉइंटेड. सभी बेचैन दिख रहे थे. एवरीबडी लुक्ड नर्वस. एवरीबडी लुक्ड नर्वस. सभी भ्रमित दिख रहे हैं. एवरीबडी लुक्स कंफ्यूज्ड. एवरीबडी लुक्स कंफ्यूज्ड. सबको मदद चाहिए. एवरीबडी नीड्स हेल्प. एवरीबडी नीड्स हेल्प. हर कोई खुशी ढूंढता है. एवरीबडी सीक्स हैप्पीनेस. एवरीबडी सीक्स हैप्पीनेस. सबको ऐसा ही लगा. एवरीबडी थॉट सो. एवरीबडी थॉट सो. सभी थोड़ा डरे हुए या फिर भौचक्के थे. एवरीबडी वॉज स्टार्टल्ड. Everybody was startled. Startled का मतलब कि थोड़े डरे हुए. सभी आश्चर्यचकित थे. Everybody was surprised. Everybody was surprised. सबने अच्छा किया. Everyone did well. Everyone did well. यहाँ पे आप सोचेंगे अभी तक मैं everybody बोल रही थी, अब मैं everyone बोल रही हूँ और दोनों का मतलब सेम है. तो जी हाँ, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं. Everybody थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल है तो एवरीवन ज्यादा यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज सब सो गए. एवरीवन फेल अस्लीप. एवरीवन फेल अस्लीप. सब में कमियां होती हैं. एवरीवन हैज फॉल्ट्स. एवरीवन हैज फॉल्ट्स. सबके साथ समस्याएं होती हैं. एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स. एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स. सबके अपने राज होते हैं. एवरीवन हैज सीक्रेट्स. Everyone has secrets. सब दुविधा में है. Everyone is confused. Everyone is confused. सभी चुप है. Everyone is silent. Everyone is silent. सभी खड़े हैं. Everyone is standing. Everyone is standing. तो अगर आप किसी के खड़े होने की बात कर रहे हैं तो भी आप स्टैंड का यूज करेंगे, और अगर कोई खड़ा हुआ है अभी तो भी आप स्टैंड का यूज करते हैं. सब थक गए हैं. एवरीवन इज टायर्ड. एवरीवन इज टायर्ड. सभी परेशान हैं. एवरीवन इज अपसेट. एवरीवन इज अपसेट. सभी बातें करते रहे. एवरीवन केप्ट टॉकिंग. एवरीवन केप्ट टॉकिंग. हर कोई हर किसी को जानता है. Everyone knows everyone. Everyone knows everyone. Pizza सबको अच्छा लगता है. Everyone likes pizza. Everyone likes pizza. सब खुश दिख रहे थे. Everyone looked happy. Everyone looked happy. इसे सबने देखा. Everyone saw it. Everyone saw it. वो सभी कहते हैं. Everyone says that. Everyone says that. सब बहस करने लगे. Everyone started arguing. Everyone started arguing. सब हंसने लगे. Everyone started laughing. Everyone started laughing. सब शांत रहे. Everyone stayed calm. Everyone stayed calm. सब भौचक्के रह गए. Everyone was stunned. Everyone was stunned. सब खत्म हो गया. Everything is gone. Everything is gone. मतलब कि सब समाप्त हो गया. सब गंदा लग रहा है. Everything looks dirty. Everything looks dirty. एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस कि everything, everyone, everybody ये सभी सिंगुलर के तरीके से यूज होते हैं, तो इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आती है. ठीक है, सब अच्छा लग रहा है. Everything looks good. Everything looks good.
सब बेकार था, एवरीथिंग वॉज बैड, एवरीथिंग वॉज बैड, सब ठीक था, एवरीथिंग वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज फाइन, सब सामान्य था, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, सब ठीक था, एवरीथिंग वॉज ओके, एवरीथिंग वॉज ओके, सब एकदम सही था, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, सभी चीज़ें चल रही थी, दैट मीन्स कि सभी चीज़ें काम कर रही थी, एवरीथिंग वॉज वर्किंग, एवरीथिंग वॉज वर्किंग, तो यहाँ मशीनों से बात है कि जो भी चीज़ें थी वहाँ पे सभी काम कर रही थी, सभी मशीनें काम कर रही थी, सब बड़े आराम से हो गया, एवरीथिंग वेंट स्मूदली, एवरीथिंग वेंट स्मूदली, सब गड़बड़ हो गया, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। Alright guys, that's all for today. I hope कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो, क्योंकि आज आपने सीखे डेली यूज सेंटेंसेस। वैसे मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज की भी शुरुआत की है, तो अगर आप देखना चाहते हैं ग्रामर की वीडियोस, आप सीखना चाहते हैं ग्रामर, तो बिल्कुल ये सीरीज आपके लिए ही बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, आप वहां जाके उन्हें वन बाय वन देख सकते हैं। डे वाइज आपको वीडियोज मिलेंगी, सभी ग्रामर के पार्ट्स को कवर करते हुए हम टेंसेस को भी बहुत ही अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए वो सीरीज बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, उसे जरूर देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। तो मेरी हर एक वीडियो को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।